हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। सो फाइनली CDS 1 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा CDS GK का क्वेश्चन पेपर। मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे आप 40 से 50 नंबर इस पेपर में स्कोर कर सकते थे। आंसर की तो ऑटोमेटिकली वैसे भी आप लोगों को मिल जाएगी। और CDS GK जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है जो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करता है इस एग्ज़ाम में। सो हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब जल्दी जल्दी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाऊं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन था कि टू पिलर पैकेज ऑफन सीन इन द न्यूज़। जो ये जो क्वेश्चन था, ये टिपिकल करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन न्यूज़ में था दिसंबर के महीने में। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए जिन्होंने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं। सो उसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैं टफ बोलूंगा इसको, क्योंकि अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है तभी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी किसको बोला जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस भी इसको इसमें एलिमिनेट करते तो आप ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुँच जाते। तो इसका जो सही आंसर था वो था ए, एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी करते हैं तब तक भी आप मतलब आसानी से आंसर तक पहुंच जाते। उसके बाद ये था मिडल ईस्ट क्वाड, ये मतलब न्यूज़ था लास्ट ईयर में, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिन जिन लोगों ने करंट अफेयर्स अच्छे से किए हैं तो आप ये करंट अफेयर्स में ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकते। इसका जो सही आंसर था वो था इसराइल, UAE, USA। ये भी ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद पिनक पिनका और स्मर्च, ये जो है ये आपका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये मतलब काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, पिछले 2-3 सालों से न्यूज़ में है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब सही होना चाहिए था आप लोगों का। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि मित्री दिवस, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है दिसंबर 2021 में, मतलब ये शायद न्यूज़ में था उस टाइम पे। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में डाउट है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। इसका आंसर बी और सी में से एक होगा। उसके बाद ये AK-203 राइफल्स, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है रशिया, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद इंडिया का मेडन ह्यूमन स्पेस मिशन, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए था। इसका जो आंसर है वो है गगनयान, इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको। उसके बाद ये एक खिजादिया वर्ल्ड सेंचुरी, तो अभी इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो इसकी लोकेशन है वो गलत है, ये है गुजरात में। ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसका था ए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 आता था आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ फॉर द टाइम बींग मुझे अभी इसका आंसर याद नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये अवार्ड किसको मिला है तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद एक इसमें से ये क्वेश्चन पूछा है कि एक किसी कंट्री ने एक प्लान को अनाउंस किया है कि वो जो अपनी स्मोकिंग पॉपुलेशन है उसको 5% कम कर देगी बाई 2025 तक। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है सी। 12th क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था अगर आपको मतलब पता है करंट अफेयर्स के बारे में, तो ये भी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद फाइट वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2021, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एक्चुअली ये चैम्पियनशिप करवाई गई थी कि जो प्रीवियस चैम्पियंस थे चेस के, जो भी विनर्स थे उनके बीच में ये मतलब टूर्नामेंट करवाई गई थी। इसके जो विनर थे वो थे मैग्नस कार्लसन। तो इसका जो आंसर था वो है बी। उसके बाद ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, उसके बाद थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जितने भी नेशनल पार्क दिए हैं ये सारे अभी न्यूज़ में थे। इन सबको रामसर साइट्स का मतलब रिकॉग्निशन दी है, और साथ में ये सारी की सारी वर्डिंग साइट्स भी हैं। वन और थ्री तो डेफिनेटली करेक्ट हैं, तो इसका आंसर बी या डी में से हो सकता था, लेकिन आप इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। कहीं पे भी आपको लगता है कि आप 50-50 पे हो तो उस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, तो इस क्वेश्चन को मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रिक, ये साइंस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये वो करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है, वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइफ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाओगे तो आप इसको ऑटोमेटिकली सही कर सकते हो। वैसे भी ये एक NCERT से उठाया हुआ सवाल है, अगर आपको बेसिक पता है थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे।
उसके बाद ये मिथेनोइक एसिड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है सी एंट स्टिंग्स। अगर आप ऐसे सवाल गलत कर दोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, रिकेट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, विटामिन डी, तो मतलब ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ लेक्स दिए उन्होंने और साथ में इन्होंने पूछा है कि ये कहाँ पे हैं। भीमानंद लेक सबको पता है ये केरला में है, तो डी का आंसर हो जाएगा टू। जहाँ पे भी आपको टू देखे तो मतलब आंसर वही होगा, ए और बी तो मतलब एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अगर खजियार की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो ये आपने इनका नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर है डी। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्मोक, तो इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचते कुछ मतलब लॉजिक लगाते तो इसका आंसर है सी, तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता था। उसके बाद माउंट थुलियर थुलियर ये इन्होंने पूछा है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, इसकी जो लोकेशन है वो है ग्रेट निकोबार में। ये बेसिक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये एनसीईआरटी से पूछा गया है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट अल्बेडो किसका होता है, मतलब हाईएस्ट जो रिफ्लेक्शन होती है जब सनलाइट अर्थ पे पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करता है, तो आपको पता है कि जो स्नो होता है उसकी जो अल्बेडो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है 48 का ए आंसर है, ये भी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं 51 क्वेश्चन की बात करूँ कि ये पूछ रहे हैं कि जब अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहले सर्कल करो क्या पूछ रहे हैं वो। आर्टिकल 368(2) ये सही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कभी भी जॉइंट सिटिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने पॉलिटी मतलब पढ़ी है तो एक बेसिक सोर्स जो आपको पॉलिटी का मतलब होना चाहिए आपके पास वो है लक्ष्मीकांत, मतलब आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, अगर आप उसको फिल्टर करके भी पढ़ोगे कुछ चीज़ें जो मतलब इस एग्ज़ाम से रेलिवेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम में पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। उसके बाद नो पर्सन शैल बी कंडेमंड अनहर्ड, तो ये क्वेश्चन मतलब जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए टफ होगा, बट इसका जो आंसर है वो है डी। उसके बाद मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन इलेक्टिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, तो इसका जो आंसर है वो सी है, तो ये भी मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लोकसभा स्पीकर, बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन, ये भी अटेम्प्ट होना चाहिए था। इसका जो सही आंसर है वो मतलब इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो जो स्पीकर है वो रिज़ाइन कर सकता है बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर, तो बाकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देन जो प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये दिया गया था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। हेडक्वार्टर्स पूछ रहे हैं आपसे गदर मूवमेंट के, इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में आपको आराम से मिल जाएगा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, सो इसका आंसर जो है वो है सैन फ्रांसिस्को, ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए था। उसके बाद आपसे न्यूज़पेपर दिए हैं और उनके नाम पूछे हुए हैं, अगर आप तो ये बेसिक एनसीईआरटी भी उठाओगे तो आपको ये नाम इजीली मिल जाएंगे वहाँ पे, मराठा, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, इन्होंने पूछा गलत कौन सा है, तो डी गलत है, वॉइस ऑफ इंडिया ये एडिटर थे इसके दादाभाई नरोजी। उसके बाद ये पूछा इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वन तो सबको पता है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, सो मतलब ये अटेम्प्ट हो सकता था अगर आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना थोड़ा सा टफ होता। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टॉमिक, वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सवाल गलत करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसका आंसर था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि जो लिटमस है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स लिटमस, इसका जो आंसर है वो है लिचिन, दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बेसिक साइंस का क्वेश्चन, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर एसिड रेन, इसका है डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको गलत नहीं करना चाहिए। म्यूटेशन किसकी वजह से होती है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सा अगर सोचते मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर जो है वो है बी, जेनेटिक मटेरियल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट, इसमें मीथेन गैस होती है, सही है, इट इज़ फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है।
इट इज़ अ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैन बी यूज अगेन अगेन एंड अगेन, तो ये क्वेश्चन भी मतलब अटेम्प्ट करने के लायक है। उसके बाद 69 ईस्ट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, ये दिस इज फंजाई, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो आई नंबर वन पे मध्य प्रदेश है, देन अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद शायद छत्तीसगढ़ या किसी दूसरी स्टेट का नाम आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो इसका जो आंसर है वो है डी। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट अगर वो पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन कब था इंडिया में, दैट वॉज बिटवीन 1921 टू 1951। अगर आपने ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आपको मतलब एनसीईआरटीज भी अगर आपने पढ़ी है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मेंशन होता है, तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के लायक है। उसके बाद द मणिकरण इन हिमाचल दैट इज़ फेमस फॉर जियो थर्मल एनर्जी, ईजी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो आपने इसको सुना होगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए आपको। उसके बाद बरमूडा आइलैंड्स कहाँ पे हैं, लोकेशन पूछी है इनकी, तो लोकेशन इसका जो सही आंसर है वो नॉर्थ एटलांटिक ओशन है। अटेम्प्ट कर सकते थे आप, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इसके बारे में तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था। उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग अ बिट टफ, इसमें इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट टाइम इसका आइडिया किसने दिया था, तो इसका जो आंसर है वो है जे एम केन्स कीन्स, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी, अगर आपको पता है तभी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है फंक्शंस क्या हैं इन्वायरमेंट के, सप्लाइंग रिसोर्सेज, सस्टेनिंग लाइफ, ये दोनों तो हैं ही, तो इसका जो आंसर है वो मतलब सी, या फिर इस क्वेश्चन में अभी डाउट है लेकिन इसका आंसर ए या सी में से कोई हो सकता है, तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता था। इसमें इन्होंने पूछा है कि इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेशियो जो होती है मतलब इंडिया की किस कंट्री के बराबर है, कंपेरेबल है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान होना चाहिए लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये थोड़ा सा मतलब अगर आपको पता है तभी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज दादा भाई नरोजी, ईजी क्वेश्चन था, ये भी अटेम्प्ट करने के लायक था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्या क्या प्रोविजन्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ईजी, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एज इट स्टैंड्स अमेंडेड, अमेंडमेंट से पहले इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था लेकिन अमेंडमेंट के बाद उसको निकाल दिया गया था, नाउ इट्स ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए, तो ये भी अटेम्प्ट करने के लायक क्वेश्चन था। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो मतलब सिंपल क्वेश्चन ही आए हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो सबको पता है कि अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से पढ़ी हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटरी नेशनल कल्चर, तो ये मतलब बेसिक, अगर ये बेसिक टॉपिक होते हैं पॉलिटी के जो मतलब आपको ज़रूर प्रिपरेशन करके जाने चाहिए, सो ये भी अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है इलेक्शन, ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। उसके बाद पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिमूव हो सकते हैं ऑफिस से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, हमें गलत को बताना है। उसके बाद प्रीएम्बल में क्या क्या मेंशन है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इसका आंसर ए है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सो कर सक इफ़ यू हैव नॉलेज कर सकते हो लेकिन अदरवाइज इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन बी और सी को देखो तो ये ऑप्शंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, सो इसका आंसर बी और सी तो नहीं हो सकता, आप 50-50 में पहुंच चुके हो, सो आप एक मतलब इसमें एक चांस ले सकते थे ए या डी में से, तो उस केस में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था प्रोवाइडेड अगर आपने 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ये गलत मत करो, इसका आंसर था सी। उसके बाद आपको इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद 1916 किसके लिए फेमस है, लखनऊ सेशन, कांग्रेस का लीग पैक्ट हुआ था और फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, ये भी अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सही नहीं है, पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं यार वो सिंपल ही आए हैं ज़्यादा,
ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी भी सही है, और जो सी है आपको पता है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, गलत मत करो। आर्टिकल सेक्शन 377 का आपसे पूछा गया है, तो जो शिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस था, मतलब आईटी एक्ट से रिलेटेड था ये। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो ये भी नहीं था। सो जो नास फाउंडेशन वाला केस था वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, तो उसमें ये उसमें सेक्शन 377 में सेवन का मतलब काफ़ी इशू हुआ था। सो इसका जो आंसर है वो है डी, मतलब ये तब कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है, अदरवाइज जो मतलब फर्स्ट टाइम मतलब जो ये पेपर दे रहा है तो उस केस में ये टफ क्वेश्चन हो सकता था। अगला क्वेश्चन है कि यू मे हैव द बॉडी, वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, ये मतलब आपसे रिट्स पूछी जा रही है, सिंपल, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे सिलेक्शन कैसे होगा। ये भी बेसिक आर्टिकल ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 78, वेरी इजी क्वेश्चन। सीरमपुर मिशन, ये क्वेश्चन विलियम कैरी तो सबको पता होगा, ये 8th क्लास के एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन बाकी 3 मेंशन नहीं है, सो उस केस में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो इट डिपेंड्स कि आपको पता है तभी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नॉट एक्सीड 10%, इट इज़ एक्चुअली 15%। तो एक 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, आई एम नॉट श्योर, वही है, तो ये भी मतलब अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था। उसके बाद लेस क्वांटिटी में चाहिए इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, अगर मतलब आप कोई और चीज़ सेटअप करना चाहते हो, आपको लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। सो इसका आंसर है ए, अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन। 104 मनी बिल से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो लक्ष्मीकांत हैं वहाँ से इन्होंने सारी स्टेटमेंट्स ही उठाई हुई हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सी, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस, ये मतलब मनी बिल में नहीं आता। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन गलत मत करना, पर जो पेट्रोल है वो अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये नरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो 100 डेज की दी जाती है, उसके बाद ये रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उन्होंने पूछा कि विद रिगार्ड टू द इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स, ये मुझे स्टेटमेंट गलत लग रही है, स्किल्ड और अनस्किल्ड नहीं, सिर्फ अनस्किल्ड होता है, अगर स्किल्ड होता तो फिर वो नरेगा में क्यों जाते हैं, उनके पास अगर कोई स्किल होता तो वो नरेगा में काम क्यों करते। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी होगा। उसके बाद कमेटी पे क्वेश्चन पूछ लिए यार, बात कर लो, पॉलिटी इतनी सिंपल पूछी, जिसने पॉलिटी अच्छे से की होगी तो मतलब उसका जो सीडीएस जीके का पेपर है करंट अफेयर्स पॉलिटी, मतलब जिसने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी अच्छे से, तो उसको मतलब 40-50 सवाल निकालना उसके लिए कोई, वो भी करेक्ट सवाल, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली। सो इसका जो सही आंसर है वो है डी, कमेटी उन्हें एस्टिमेट, ये स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, तो ऑप्शन वन तो सीधा ही मतलब गलत हो जाएगा। कमेटी ऑन रेलवेज, ये भी गलत है, ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं है पार्लियामेंट की, तो इसका आंसर है डी, मतलब इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म कौन सा नहीं है, तो रेडिकल सोशलिज्म तो नहीं है, नेहरूवियन आपने सुना है, डेमोक्रेटिक भी सुना है, सो इसका बी है, अटेम्प्ट हो सकता था। ये 103 वाला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यार सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए था, नेशनल इमरजेंसी मेंशन है, स्टेट इमरजेंसी भी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है, तो इसका आंसर जो है वो है डी। देन ब्रिक्स, यार सिंपल क्वेश्चन, सीडीएस में देखो बीच बीच में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी, सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, मतलब 18, मुझे इतना पता था कि ये 1850 और 1860 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था, तो इसका जो आंसर है मतलब काफ़ी लोगों को ए और बी में कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 1851। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, मतलब द एडिशन इफ द फेडरेटिंग यूनिट कॉन्सेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन, जो रेजुलेटरी पावर्स है वो सेंटर के पास है, सही है, सिंगल सिटीजनशिप है एंड एक्सटेंसिव यूनियन एंड कॉन्क्रेंट लिस्ट, सही है, इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिंपल क्वेश्चन है यार। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है, ये मतलब अगर आपको आता है आप तभी कर सकते हो, सो इसको आप इग्नोर कर सकते थे। उसके बाद आइसो अलायंस, अलायंस इज रिलेटेड टू सेलिनिटी, सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, अटेम्प्ट होना चाहिए था, ये भी अटेम्प्ट हो सकता था। FTA इसमें से कौन सा है, अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इस क्वेश्चन के आंसर में अभी थोड़ा सा डाउट है, तो इसका आंसर जो है वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये थे, तो यही कुछ क्वेश्चन थे, मगर मतलब जिन्होंने पॉलिटी और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे, सो आई डोंट थिंक कि 40 to 50 क्वेश्चंस करना उनके लिए मतलब ज़्यादा टफ रहा होगा।
अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं, नो डाउट जो ये कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये पेपर काफ़ी टफ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल इसको आप बोल सकते हो ये मीडियम से टफ की तरफ जा रहा है, मतलब मीडियम टू टफ के बीच में बोल सकते हो इसको। मतलब अगर आपने ये कुछ क्वेश्चन थे, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने के लायक थे, अगर आपने ये 40 to 50 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं तो आप इजीली 40 से 50 मार्क्स स्कोर कर लोगे। और जो CDS GK का स्कोर है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिलेक्शन को डिटर्मिन करता है। अगर आप CDS में OTA में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो CDS GK का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ क्वेश्चन थे, आंसर की ऑटोमेटिकली आपको मतलब वहाँ पे मिल जाएगी, नेट पे इंटरनेट पे वो अवेलेबल है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, तो अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी उसमें शेयर की हुई है। इस एग्ज़ाम को इसी स्ट्रैटेजी से मैंने 3 बार क्लियर किया है CDS को, और मेरे GK में हमेशा स्कोर रहता था 40 और 50 के बीच में, 40 50 या फिर 50+ भी रहा है कुछ मतलब कुछ ओकेजन्स पे।